और जिक्र क्या कीजिए अपनी दिल की हालत का, और जिक्र क्या कीजिए अपनी दिल की हालत का, कुछ संभलती रहती है कुछ बिगड़ती रहती है। दोस्तों, हमारे देश के लगभग 6 करोड़ से अधिक लोगों के दिल की हालत आजकल कुछ ऐसी ही है, मोहब्बत में नहीं दोस्तों, बीमारी की वजह से। जी हाँ, आपने सही समझा, हम यहाँ बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ की, और हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य बत्रा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक की वजह क्या है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आज हमारे देश में हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस और प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा स्पीड से, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और यही एक मुख्य कारण आज के डेट में लोगों में मृत्यु होने का मुख्य कारण है। जो लोग बच भी जाते हैं उसके बावजूद भी उनमें बहुत सारी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये वाली समस्याएं इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं, और हार्ट डिजीज़ हार्ट अटैक क्यों होते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पुराने टाइम में, पुराने समय में एक हमारे जो पूर्वज जिया करते थे, उनकी एक औसत आयु 100 वर्ष की मानी गई थी। जी सर। और एक वो 100 वर्ष की औसत आयु एक स्वस्थ तरीके से एक खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करते थे। धीरे धीरे समय के साथ कुछ हमारे लाइफस्टाइल में या हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसे परिवर्तन आने शुरू हुए, जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज ज़्यादा मेहनत करते थे। जी सर। उनका खान पान ज़्यादा शुद्ध और साफ सुथरा होता था। आजकल की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जब हर बंदा एक तनाव युक्त ज़िंदगी जी रहा है, और उसमें उस भागदौड़ में वो अपने खाने पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसमें फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, उसके साथ साथ बहुत सारे व्यसन और ये जो एडिक्शंस लोगों में आ गई हैं, जिसमें कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या और नशे की चीज़ें, जिनको लोगों ने अपनी दिनचर्या का पार्ट बना लिया है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट डिजीज को पैदा कर रहे हैं। और कुछ फिजिकल वर्क भी अब कम हो गया है लोगों का। आजकल जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग भागदौड़ की ज़िंदगी में लगे हुए हैं, उसमें वो एक डेडिकेटेड जो एक्सरसाइज करनी होती है उसके लिए अपना समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या तो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या शायद उनकी सोच इस प्रकार की हो गई है कि फिजिकल एक्टिविटी का कोई हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो ये सब कारण है कि एक्सरसाइज रेगुलर ना करना, खान पान पर प्रॉपर ध्यान ना देना, और तनाव में रहना, उसके अलावा आप जो नशे की आदतें हैं जिसमें स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या दूसरे नशे हैं जैसे कुछ लोग इंजेक्शंस का, या आजकल हमारे नॉर्थ इंडिया में खासकर पंजाब हरियाणा में कुछ बहुत सारे नशे युवाओं को घेर रहे हैं, तो ये सब आदतें इन युवाओं में भी हार्ट अटैक का कारण बन रही हैं। सर, आपने कहा कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ना शराब पीते, ना सिगरेट पीते, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, योगा भी करते हैं, खाना पीना भी अच्छा है, टाइम से सोना उठना सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे लोगों में भी प्रॉब्लम्स जो हैं हार्ट की बढ़ रही हैं, उसके क्या कारण हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में इस जिसको भी जीवन की मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, उसमें कोई भी अजर और अमर पैदा नहीं हुआ है। जी सर। ये सब बीमारियाँ जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीजेज, वज़न बढ़ना, इन सबको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज कहा जाता है। अब जैसे जैसे आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, या जो इसके मुख्य कारण जिनको पहचाना गया है, अगर वो जितने ज़्यादा कारण किसी इंसान में होंगे, तो उसको हार्ट अटैक होने की या हार्ट डिजीज होने की चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें ना भी हों, उसके अलावा कुछ नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उस नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आपकी एज हो सकती है, आपकी हेरिडिटरी फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कि अगर आपके परिवार में, आपके ब्लड रिलेशंस में आपके माता पिता को, आपके भाई बहनों को हार्ट डिजीजेज की पहले हिस्ट्री रही है, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क उस चीज़ों के होने का बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों को और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है कि ऐसे में वो अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा अच्छे से रिफाइंड और अच्छा रखें, और अगर कोई भी सिम्टम या कोई प्रॉब्लम होती है, या उनकी रिपोर्ट्स में, ब्लड प्रेशर में, शुगर में कहीं से भी कोई एबनॉर्मेलिटी या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन चीज़ों को वो टाइमली उनका ट्रीटमेंट करें और जल्दी से उसका निवारण करें। कहने का मतलब है कि हार्ट प्रॉब्लम जो है वो भी जेनेटिक है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली है। आप ये बड़े फ्रिक्वेंटली देखा गया है कि ये सारी डिजीजेज जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीजेज हैं, अगर आपके परिवार में
ये डिजीजेस ज्यादा रही हैं, तो उनके फर्स्ट ब्लड रिलेशंस को ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, एक आम धारणा लोगों की बन चुकी है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में आने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें बता दिया जाएगा कि आपके दिल का तो ऑपरेशन होगा। दूसरा, एंजियोग्राफी करवाने से भी लोग बड़ा डरते हैं जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ पालना बहुत गलत है। आपको अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए अगर मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, अगर बहुत इतने सारे हर दिन इतने शोध और रिसर्च अगर चल रहे हैं तो वो आपके फ़ायदे के लिए चल रहे हैं, तो उस फायदे को हमें उठाना चाहिए। अगर कोई भी समस्या है तो आपको चाहे सरकारी अस्पताल जाना हो चाहे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना हो, आपको जाके अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार से कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल, मेरा मानना नहीं है कि वो आपको अननेसेसरी कोई भी प्रोसीजर करेंगे या अननेसेसरी कोई भी ऑपरेशन करेंगे। सर, अभी आपने कहा कि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, इतनी ज़्यादा जो है खोज हो रही है, आपने ये भी कहा कि अननेसेसरी ऐसा कुछ कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि ऑपरेशन किया जाए। अब देखिए, सरकार ने स्टंट का खर्चा काफ़ी कम किया है, लेकिन जब एक आम आदमी जो है अपने दिल की बीमारी का इलाज करवाने आता है, खर्चा कम होने के बावजूद भी खर्चा जो है लाखों में चला जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये हर हॉस्पिटल के अपने अपने रेट्स होते हैं, कहीं पे खर्चा लाखों में भी हो सकता है, कहीं पे हज़ारों में भी हो सकता है। लेकिन अब कोई भी अगर प्रोसीजर होता है तो मैं इस बात का बहुत सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्टेंट के रेट्स पे कैपिंग लगाई और स्टेंट्स के रेट को कम किया। जिससे कि उस खर्चे में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कमी आई। लेकिन कोई भी प्रोसीजर करने में एक केवल स्टेंट नहीं होता है, जैसे हमें अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है तो मेडिसिन को हमने प्रिस्क्राइब कर दिया, पेशेंट ने मेडिसिन ले ली और मेडिसिन खा ली, लेकिन स्टेंट के साथ ऐसा नहीं है। भाई, स्टेंट को एक जगह पे अच्छे से इम्प्लांट करने के लिए कुछ और एसेसरीज की, कुछ और सामान की भी आवश्यकता होती है। अगर उन सामान को हर पेशेंट में, हर ऑपरेशन में वो सामान किस में कौन सा स्पेशलाइज सामान लगेगा और किस में कितना सामान लगेगा, ये प्रिडिक्ट करना या इसको हम जनरलाइज एक फॉर्म में फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट ये खर्चा वेरी कर सकता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी ये खर्चा वेरी कर सकता है। सर, आपका कोई ऐसा ऑपरेशन जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा हो और फिर आपको उसमें सक्सेस मिली हो? देखिए, इस प्रकार के तो बहुत सारे केसेस आते हैं कि हम देखते हैं कि पेशेंट एकदम से हार्ट अटैक में आया। डेली ऐसा होता है कि हार्ट अटैक में आते ही ये कहते हैं कि टाइम इज मसल, कि हार्ट अटैक हुआ, जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है उसको आते ही अगर हम तुरंत साथ के साथ ऑपरेशन कर देते हैं, साथ के साथ उसकी जो बंद नस है उस बंद नस को खोल देते हैं, तो उस हार्ट अटैक से होने वाले आगे खतरों से और उसके नुकसान से बचा जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पिछले महीने ही एक स्टैंडर्ड गोल सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कि आपको 90 मिनट्स के अंदर एक एंजियोप्लास्टी या वो ऑपरेशन करना होता है। उसमें कई बार पेशेंट की तरफ से डिले हो जाता है, कई बार हॉस्पिटल या डॉक्टर की तरफ से भी डिले हो सकता है। लेकिन अभी जैसे हमने पिछले महीने एक ऑपरेशन 11 मिनट में किया कि पेशेंट जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ 11 मिनट के अंदर हम उसकी नस को खोल चुके थे। तो इस प्रकार के डेली एग्जांपल्स हर रोज देखने को मिलते हैं, और उसमें मैं बल्कि अपने प्रशासन से या लोगों से, समाज से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा और हम लोगों को भी ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि एक आम जन को, आम पब्लिक को ये CPR की टेक्निक्स सिखाई जाए। जैसे फॉरेन कंट्री में होता है कि आपके स्कूल टाइम में, आपके करिकुलम में CPR एक्टिविटीज़ के भी सामने कोई कोलैप्स हो गया तो उस पेशेंट को कुछ टाइम रिवाइव करने के लिए हमें कुछ इनिशियल मैन्यूवर्स करने होते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो मैन्यूवर्स केवल डॉक्टर ही कर सकें, एक आम जन, आम पब्लिक भी उन मैन्यूवर्स को अगर सीखें तो बहुत सारी कीमती जानों को बचाया जा सकता है। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि फर्स्ट एड का पता होना चाहिए कि इंसान को अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई चोट भी लगी है, अटैक आया है, तो घर पर वो क्या जो है जी उनका कर सकते जी। मैं इसी के लिए चाहूँगा कि इसमें एक पब्लिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होने चाहिए किसी मंच पे या किसी लेक्चर के थ्रू या किसी भले ही YouTube के माध्यम से। आजकल हर सबके पास इंटरनेट है, सब इंटरनेट के थ्रू इस नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भी आम जन को भी इस चीज़ की पब्लिक इंफॉर्मेशन, लोगों में खुद इस चीज़ की क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि उन्हें इस फर्स्ट एड का या इस CPR की नॉलेज होनी चाहिए। रादर मैं चाहूँगा कि स्कूल्स के करिकुलम में भी एक पार्ट होना चाहिए जो कि बहुत
ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा, एक 4-5 घंटे की स्कूल में ट्रेनिंग आपको जिंदगी भर के लिए एक अच्छी प्रक्रिया, एक अच्छी चीजों को सिखा सकती है जो किसी के काम आ सके। देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो टेक्निकल टर्म्स में हार्ट अटैक का मतलब है कि आपकी नस ब्लॉक हुई, उस नस को ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे आगे ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आई और हार्ट के उस एरिया को ब्लड सप्लाई रुक गई, उससे हार्ट में डैमेज होना शुरू हुआ। वो डैमेज केवल हार्ट अटैक, हार्ट की मसल्स को नुकसान के रूप में भी हो सकता है और उससे पेशेंट की सडन डेथ या मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो है हार्ट अटैक। अब जब वो हार्ट अटैक होके वो मसल्स वीक हो जाती हैं तो पंप फेलियर हो जाता है कि जो हार्ट को पंपिंग करके आगे पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई देनी है, जब वो पंपिंग प्रॉपर से नहीं हो पाती तो वो कंडीशन टेक्निकली हार्ट फेलियर होती है। लेकिन आम जन में जो लोग समझते हैं हार्ट फेलियर को, वो समझते हैं कि जो पेशेंट कोलैप्स हो जाते हैं कि हार्ट एकदम से हार्ट अटैक या किसी भी कारण से काम करना बंद कर गया, तो आम जन उसको एक आम भाषा में हार्ट फेलियर को ये समझते हैं कि ये हार्ट फेलियर है। तो मैं यही कहूंगा कि भी हार्ट फेलियर भी अगर किसी को है जिसको आमजन एकदम हार्ट को कोलैप्स होने या बंद होना समझती है, तो उसमें भी इससे पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि उसमें हमें पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशंस या सीपीआर देना होता है, वो जरूरी वहां भी जान बच सकती है। बिल्कुल जी सर। अच्छा सर, बात अगर हम करें कि जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, क्या वो सभी में सिमिलर होते हैं? अब कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनको ना चेस्ट में पेन होता है, कई लोग इसे ये मान लेते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, एसिडिटी बन गई है, और मैन और वुमेन, क्या इन दोनों में भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं? जी देखिए पूनम जी, ये आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है कि सिम्टम्स, पहले तो हमें जानने की जरूरत है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते क्या हैं। जी सर, अब मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज़्यादातर समय ये सिम्टम्स टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये सिम्टम्स एटिपिकल या साइलेंट भी हो सकते हैं। जी सर। लेकिन जब वो साइलेंट सिम्टम्स भी होते हैं तो कुछ हद तक कुछ सिम्टम्स आते हैं। अब ये एटिपिकल या साइलेंट सिम्टम्स मोस्टली जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, या जो जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनकी नसें वीक हो जाती हैं, तो डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले पेशेंट्स को भी कई बार एटिपिकल या साइलेंट सिम्टम्स होते हैं। बट वो सिम्टम्स उस समय भी एब्सोल्युटली साइलेंट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब हमें वो समझने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। मैं टिपिकल सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो हमारी नाभि से लेके और जबड़े तक, उसमें आपका पेट भी आ गया, जिसको कि कई बार हम गैस्ट्रिक मान के ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, पेशेंट समय पे डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं करता है। तो नाभि से लेके ऊपर पेट, छाती, कंधे, बाजू, कमर, गला, जबड़ा, जी सर, यहाँ पे कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट, पेन, दबाव, खिंचाव या जलन, इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स होते हैं, या ये सिम्टम्स अगर नहीं भी हैं तो इसके कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जो आपको मदद करते हैं इन सिम्टम्स को, इन लक्षण को रिकॉग्नाइज करने में। वो सिम्टम्स होते हैं कि जैसे अत्यधिक पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना, चक्कर आना, उल्टी आना, जी मितलाना, अगर ये सब सिम्टम्स भी हैं, भाई अगर आपको पहले कोई प्रॉब्लम ऐसे सिम्टम्स महसूस नहीं हुए हैं, या जो पहले से हार्ट डिजीज़ का नॉन पेशेंट है वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ ये मेरे हार्ट के सिम्टम हो रहे हैं, या जिसको पहले कभी हार्ट के सिम्टम नहीं हुए और उसको लगता है ये तो कुछ ऐसी एटिपिकल सेंसेशन मेरे को हो रही है जो मेरे को पहले कभी नहीं हुई, तो तुरंत आपको एटलीस्ट किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके संपर्क ज़रूर करना चाहिए, एक अपनी ECG ज़रूर करा के देखनी चाहिए, ताकि समय रहते उस हार्ट अटैक वाली कंडीशन को रिकॉग्नाइज, पहचाना जा सके और समय रहते उसका इलाज और निवारण किया जा सके। जी सर। सर देखिए, गरीब तबका जो होता है वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा उठा नहीं पाते, तो क्या आपका हॉस्पिटल उन्हें कोई छूट देता है, ऐसी कोई रियायत कि जो गरीब लोग हैं वो भी आकर आपके हॉस्पिटल से अपना अच्छे से इलाज करवा सकें और अपनी जान को बचा सकें? जी देखिए, मैं आपको इस चीज़ में बहुत क्लियरली कह दूँ, मैंने आज तक अपने जीवन में, मेरे कलीग हैं चाहे सीनियर हैं या जूनियर हैं, मैंने हर डॉक्टर को देखा है कि वो चाहे गरीब है या अमीर है, डॉक्टर का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है उस मरीज की जान बचाना या उसका उपचार करना। जी सर। अब कई बार सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हाथ बंधे होते हैं कि भाई अगर इतनी महंगी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं तो वो
हर को बंदा अपनी जेब से तो उसका वो नहीं कर सकता, लेकिन वो उसका इलाज भी करना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इस दिशा में एक सरकार ने एक अच्छा उपक्रम अभी जो अभी एक पॉलिसी एक स्कीम शुरू की है, पहले भी कुछ इस प्रकार की स्कीम्स आती रही हैं चलती रही हैं, लेकिन अभी जो मुझे खुशी है कि रिसेंटली जो आयुष्मान स्कीम शुरू हुई है वो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है कि उसमें उसके पास सिर्फ कार्ड होना चाहिए, वो कार्ड होने के बाद मरीज का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है जी सर। तो ऐसे में बहुत सारी कीमती जानों को बचाया जा रहा है। उसके बावजूद भी ठीक है, आयुष्मान प्रक्रिया एक अभी स्कीम शुरू हुई है तो उसको एक अपनी अच्छी शेप में आने में एक समय लगेगा। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान की प्रक्रिया में एनरोल नहीं हो पाए, लेकिन वो डिजर्विंग है भाई, वो बहुत गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका कार्ड बनना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके जब आयुष्मान प्रक्रिया स्कीम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएंगी तो वो जो जेन्युइन इनरोलमेंट होने हैं वो भी हो जाएंगे, बट वो चीज़ें अपना समय लेंगी। तो उसके बाद मैं सबसे पहले कुछ ऐसे समाज सेवियों का और ऐसे एनजीओस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ा के ऐसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाया और हमने उनका हाथ थामा। तो हमारा भी ऐसे कुछ एनजीओस के साथ कुछ समाज सेवियों के साथ संपर्क है कि अगर कोई भी गरीब आया वो अपना इलाज कराने में अगर सक्षम नहीं है तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज रेट पे उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पे अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया है तो मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो पैसे की कमी के कारण वो बिना इलाज के नहीं जाएगा। हाँ, कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी आती है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं जी, लेकिन वो खुद को कहे कि जी मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो गलत है। तो मैं समाज से भी इस चीज की गुहार करूंगा कि जो अफोर्ड कर सकता है वो अपना खर्चा करके अपना ट्रीटमेंट कराए, जो नहीं भी अफोर्ड कर सकता तो वो दिल खोल के यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आए, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज रेट पे इलाज किया जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी एक विल पावर है, हमारी भी इच्छा शक्ति है कि हम उनका इलाज करना चाहते हैं, और हमें एक सहारा है ऐसे एनजीओज का, ऐसे समाज सेवियों का जो उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। चलते आप हमारे दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत की थी, मैं भी यही कहूँगा, अपने दिल को संभाल के रखिए। अपने दिल को संभाल के रखने के लिए सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बीड़ी सिगरेट शराब हुक्का इनके व्यसनों से, अलग अलग जो ड्रग्स एडिक्शन है उनसे बचिए। अपने खान पान में सादा खाना, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सलाद फल सब्जियाँ ये ज़्यादा खाइए, फास्ट फूड तली हुई चीज़ें बाहर के खाने से बचिए, और रेगुलर योगा और प्राणायाम करिए, तनावयुक्त रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए, अपना दिल खुश रखिए और अपने दिल को संभाल के रखिए। दर्शकों, सुना आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, खुश रहिए, अपने दिल को संभाल कर रखिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके कमेंट हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। नमस्कार।